सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज रफीक सर नहीं आ पाएंगे और उनको किसी उनके यहाँ किसी किसी उनको किसी काम से जाना पड़ा। किसी कोई बुजुर्ग था जो वो नहीं रहे, तो इंतकाल हो गया उनका, तो उनको एक्सीडेंट जाना पड़ा। तो लेकिन फिर भी आज ये मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा और कुछ डिफरेंट तरीके से हम आज को करेंगे। बेसिकली दोस्तों, सभी लोग डीएक्सएन में ज्वाइन होते हैं या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग इसको करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं लोग, और मेहनत करने के बाद उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसके लिए वो आए थे, जिस सपने को पूरा करने के लिए बिजनेस के अंदर आए थे, और उनकी वो चाहते पूरी नहीं होती जो उन्होंने अपने चाहतों को वो पूरा करना चाहते थे। और बहुत से लोग मेहनत करने के बाद डीमोटिवेट होके इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। कभी सोचा है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बहुत ही कॉमन, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज तो पता है, उनको प्रोडक्ट के फायदों के बारे में पता है, उनको कंपनी के बारे में पता है, लेकिन उनको यह नहीं पता इस बिजनेस को एक सिस्टम के तहत कैसे कम मेहनत में इफेक्टिव तरीके से इसको किया जा सकता है, कैसे कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से वो अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को अपने समय अवधि के अंदर प्राप्त कर सकते हैं या उससे पहले प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं, बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसके अंदर कि वो मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो उनसे पहले लोग ज्वाइन हुए हैं। अब इस कारण लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में धारणा आ जाती है कि यार, इसके अंदर जो पहले जुड़ा है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो बाद में जुड़ा है उसको कम प्रॉफिट होगा, और मैं मेहनत करूंगा तो मेरी मेहनत से ऊपर वाले को फायदा होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं किसके लिए मेहनत करूं। ये होता क्यों है? जानकारी के अभाव के कारण होता है दोस्तों, ये जानकारी के अभाव के कारण होता है। लेकिन डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान के अंदर सबको बराबरी से बढ़ने का मौका है, सबको आगे बढ़ने का मौका है। अगर आप पहले ज्वाइन हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं, आपको कुछ समय ज्वाइन हुआ है, तो ये आपके लिए और भी बेहतरीन है, क्योंकि ये जानने का मौका है कि जो मिस्टेक्स कुछ लोगों ने की हैं उनकी गलतियों से सीखने का मौका है कि उन्होंने इस तरीके से इस सिस्टम को किया, इस बिजनेस को किया और वो कामयाब नहीं हुए। यानी आपको पता है कि ये तरीके से अगर मैं करूंगा तो मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, मुझे वो तरीका ढूंढना है, मुझे उस तरीके से काम करना है जिससे कि मैं कम समय में अपने काम को इफेक्टिव तरीके से करके और अपनी इनकम को जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोच के जो मैंने इस बिजनेस को चूज किया था, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस बिजनेस को चूज किया था, अपनी आर्थिक आजादी के लिए इस बिजनेस को चूज किया था, इस बिजनेस के द्वारा, इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपने उन सपनों को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, आज कुछ हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे अपने इस बिजनेस प्लान के माध्यम से। दोस्तों, डीएक्सएन में
ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएक्सएल को अगर करना चाहते हो आप, तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए, आपका एक सपना होना चाहिए खुली आंखों से देखते हुए कि मैं डीएक्सएल को क्यों चूज कर रहा हूं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कुछ लोग अपने प्रोफेशन में होंगे, लेकिन वो डीएक्सएल को क्यों चूज कर रहे हैं, डीएक्सएल में क्यों जुड़ रहे हैं? एक अल्टरनेटिव इनकम के लिए। अगर कल को उनके व्यवसाय में जो उनका प्राइमरी व्यवसाय है, जो उनका मेन व्यवसाय है, उसमें अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है, तो डीएक्सएल का इनकम, डीएक्सएल का प्लेटफॉर्म उनकी जो जिंदगी की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक सपोर्ट लाइफ की तरह उठ खड़ा होगा, सपोर्ट लाइफ की तरह तैयार होगा। तो दोस्तों, डीएक्सएल को बिजनेस को कैसे करना है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएक्सएल के बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएक्सएल के बिजनेस में ज्वाइन होना है, यानी डीएक्सएल का एक हमें डिस्काउंट कार्ड बनाना है, डीएक्सएल का हमें एक मेंबरशिप कार्ड बनाना है। और ये मेंबरशिप कार्ड दोस्तों फ्री है, सबके लिए फ्री है, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए ये बिजनेस के लिए कोई भी पैसा उसको देने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ दोस्तों, ये मेंबरशिप कार्ड, ये आपका डिस्काउंट कार्ड पूरी लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। और साथ साथ इस कार्ड को आप पूरे वर्ल्ड में डीएक्सएल बिजनेस करने के लिए, इस मेंबरशिप को आप यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, है ना दोस्तों? मजेदार बात कि यानी कि आपने हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखाई चोखा, मतलब कि आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन की, आपने अपना एक फोटो दिया, एक आईडी प्रूफ दिया, आपको लाउम्र आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिल गया। दूसरा, साथ साथ आप एक इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, आपके दोस्त मित्र कोई जाने अनजाने जो लोग आपके विदेश में हैं, वो भी आपके इस बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी आपके इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, एक खास बात है इस मेंबरशिप की, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि ये मेंबरशिप जो है, अगर आप नहीं भी रहे तो आपके परिवार को ये मेंबरशिप, आपके सिबलिंग्स को, आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको ये मेंबरशिप ट्रांसफर हो जाती है और उनको उसी लेवल से इनकम मिलनी शुरू होती है जिस लेवल पे आपने छोड़ा था। दोस्तों, छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत बेहतरीन कहानी है। एक जीजा और साले थे, वो शहर में रहते थे, जीजा शहर में रहता था, जॉब करता था, साला गांव के अंदर एक छोटी सी दुकान है, साला यानी ब्रदर इन लॉ, वो छोटी सी दुकान अपनी एक समोसे की थी, उसकी बहन, उसकी पत्नी समोसे बनाती और उसका पति जाके उस समोसों को बेचता। दोस्तों, इस तरीके से वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक गांव के अंदर एक अकाल पड़ा, अब उनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए, लेकिन उनके समोसे गांव वालों को बहुत पसंद थे, सब किसी को बहुत पसंद थे, लेकिन अब उनके उस तरीके से ग्राहक नहीं आ रहे थे क्योंकि गांव के अंदर बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उसी बीच उसका ब्रदर इन लॉ यानी उसका साला उसके पास आया, उसने कहा, जिया जी आप यहाँ जो बैठे हैं, अपने इस बिजनेस को आप शहर में करें, शहर में इस बिजनेस को ले आके शिफ्ट करें, मेरी फैक्ट्री के बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, मेरी फैक्ट्री के बहुत सारे लोग वहां पे आके इस बिजनेस को आने जाने वाले लोग आते हैं, आपको खाएंगे, आप समोसे बहुत बढ़िया बना रहे हैं और आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप दिन दोनी रात चौगनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, उन्होंने अपने साले की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और वो अपनी पत्नी के साथ यानी उसकी बहन के साथ वो अपने साले के ऑफिस के बाहर उसने एक छोटी सी दुकान लगा ली। अब छोटी सी दुकान लगा ली, उसकी पत्नी समोसे बनाती और समोसों को वो बेचता, जगह जगह जाके बेचता। धीरे धीरे उसके समोसे सबको पसंद आने लग गए। अब पसंद आने लग गए तो अब क्या हुआ कि वो डिमांड पूरी नहीं कर सका। जब डिमांड पूरी नहीं कर सका, उसने कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को अपने साथ काम पे लगाया और उसने अपने दुकान का फैलाव किया। अब उसकी दुकान थोड़ी बड़ी हो गई, अब दुकान बड़ी हो गई तो और ज्यादा लोग आने लगे, दूसरे शहर के लोगों में भी उसकी मशहूरी फैलने लग गई। अब क्या हुआ, वो काम संभालना उसके लिए मुश्किल हुआ।
तो उसने क्या करा, एक बड़ी अपनी दुकान को और बड़ा किया, वहां पे 8-10 कुर्सी टेबल मेज वगैरह लगा ली, और मेज लगाने के बाद वहां पे उसने अपने ग्राहकों को और अच्छी सर्विस देनी शुरू की। अब इस तरीके से करते हुए उसकी दुकान बड़ी हो गई और उसके बाद बहुत पैसा हो गया और वो उसका बड़ा मकान बन गया। उसका साला उस कंपनी में आता रहा जाता रहा, उसकी भी तरक्की होती रही और वो धीरे धीरे मैनेजर बन गया, उसका इनकम भी 1,00,000 हो गया। एक दिन उसने कहा, गुजर रहा था, उसने देखा कि जिया जी के उसकी बहन के यानी उसके दोनों भांजे भी दुकान के अंदर लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि जिया जी आप क्यों इन लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो, आपको आप इनको मेरी फैक्ट्री में लगा दो, देखो ये भी मैनेजर बन जाएंगे। अब क्या है इस छोटे छोटे काम में ये लोग अपना समोसा देने लेने में लगे हुए हैं। तो जिया जी ने बिल्कुल से मुस्कुराते हुए कहा, कहा आओ बैठो, अपने साथ उनको बिठाया उन्होंने। बिठाने के बाद बोला, देखो आपकी सलाह से मैं यहाँ पे आया, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या, मैंने अपनी दुकान को इतना बड़ा कर लिया, मेरी दुकान 1 से 2 हो गई है, कल को अगर मैं नहीं भी रहता हूं तो मेरे बच्चे इसी गल्ले से बैठ के जो मैं उनको विरासत छोड़ के जा रहा हूं उसी विरासत के अनुसार वो उसी इनकम पे लगेंगे। लेकिन एक बात आप मुझे बताना, क्या आप कल अपनी कंपनी से रिटायर होंगे तो क्या आपके बेटे को आपकी जगह पे वही मैनेजर की रैंक मिलेगी, या फिर वो फिर से शुरुआत करेंगे, दोबारा से वही मेहनत करेंगे और फिर उस रैंक पे पहुंचेंगे। बात में दम था, साले ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वो अपने घर चले गया। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जो बिजनेस कर रहा था, जिस वो बिजनेस में था, उस बिजनेस को जिस लेवल पे उसने मेहनत करके पहुंचाया, कल को उसके बच्चे उसी बिजनेस को संभालेंगे। लेकिन जो मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन समझने का तरीका है, एक अल्टरनेटिव बिजनेस लेने का तरीका है, समझने का तरीका है कि अगर आप जॉब में भी हैं तो आप बिजनेस को क्यों करें, कि जो जॉब कर रहे हैं कल को अगर आप रिटायर होंगे तो आपके बच्चे को भी वही मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने शुरुआत में की, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक का बच्चा भी मालिक की ही गद्दी पे बैठेगा। तो दोस्तों बात बिल्कुल सिंपल सी है, बिजनेस हम क्यों करें ये अगर हमें पता हो, और हमें क्यों करना है और इससे हमें क्या फायदा होना है, अगर आपके समझ में ये आ गया तो आपको डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ये बिजनेस बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए कुछ बातें हमें सीखनी बहुत जरूरी हैं, जिनको हमें कुछ शब्द हैं जो हमें समझने हैं। पहला क्या है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमें एक उसके अंदर पॉइंट मिलता है, उसे हम पॉइंट सिस्टम बोलते हैं, और ये पॉइंट सिस्टम आपको इनकम और आपके स्टेटस के फायदे के पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। और उस पॉइंट के साथ साथ आपको एक सेल्स वैल्यू पॉइंट भी मिलता है, जिससे आपको इनकम आती है, बोनस कैलकुलेशन होता है, आपको इनकम आती है, आपको इंसेंटिव आता है, और साथ साथ आपका पीवी जो आपकी खुद की परचेस का होता है, एसवी जो आपकी खुद की पीवी से बनता है, और साथ साथ आपका इसके अंदर होता है पर्सनल पॉइंट वैल्यू। ये पर्सनल पॉइंट वैल्यू जो है, जो आप पीवी जनरेट करते हैं, खरीद बनाते हैं, ये उससे मिलके बनता है, ये एक कैश बिल का भी होता है, 2-3 कैश बिल का भी होता है उस पर्टिकुलर मंथ का। फिर अगला आपका टर्म आता है पर्सनल ग्रुप पीवी। ये पर्सनल ग्रुप पीवी क्या है दोस्तों, जो आप परचेज करते हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट मिलता है, साथ साथ जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि आपने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपके साथ कुछ लोग जुड़े, कुछ लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट आया, उन्होंने भी आपके साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट परचेज किया, तो उससे उनकी परचेज वैल्यू से कुछ फायदा मिलेगा, और उसके साथ साथ जो परचेज कर रहे हैं उस पॉइंट वैल्यू को आपके पर्सनल ग्रुप पीवी के अंदर जोड़ा जाएगा, जो कि आपके क्वालिफिकेशन के काम आता है। इसमें कुछ लोग आपके साथ जो जुड़े हुए होंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़ के स्टार एजेंट बनेंगे, क्वालिफाई स्टार एजेंट बनेंगे, जो क्वालिफाई हो जाएगा उसका पर्सनल, उसका पीपीवी आपके इसमें नहीं जुड़ेगा, खाली उन्हीं लोगों का जुड़ेगा जिन्होंने क्वालिफाई स्टार एजेंट का पोजीशन हासिल नहीं किया है।
और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी एक्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी। ये क्या होता है दोस्तों, जब से आपने ज्वाइन किया और जब से आपने ज्वाइन कर, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ये आपका एक्यूमुलेशन में पीवी जुड़ेगा। जैसे मान लो आपने 1000 पीवी का इस महीने प्रोडक्ट परचेस किया, आपने अगले महीने 3000 का किया, तो आपका एक्यूमुलेशन में 3000 हो गया। तो ये एक्यूमुलेटेड पीवी आपका बढ़ेगा। और ये एक्यूमुलेशन किस काम में आता है, ये एक्यूमुलेशन आपका आता है आपके बोनस की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, आपको स्टार एजेंट की पोजीशन पे ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये आपको स्टार एजेंट पोजीशन पे आपको ले जाने के लिए आता है। और उसके साथ साथ फिर आपका आता है डायमंड ग्रुप पीवी। कुछ लोग काम करते करते स्टार एजेंट बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे, फिर कुछ लोग डायमंड बनेंगे। जब वो डायमंड बनेंगे तो उनका भी बोनस परसेंटेज उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये डीजीपीवी क्या होता है, ये आपका उन लोगों का पीवी आपके जो ग्रुप में है जो डायमंड क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उसका उनका पीवी आपका डायमंड ग्रुप पीवी के अंदर जुड़ता है। और साथ साथ आपको दो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है बोनस लेने के लिए आपको 1000 पीवी, 1000 पॉइंट महीने के करने हैं। दूसरा, आपको अगर स्टार एजेंट के लेवल पे आप पहुंच गए हैं, 1000 पॉइंट आपको अपने खुद के करने हैं और 2000 पॉइंट आपको नॉन स्टार एजेंट से इकट्ठे करने हैं, या स्वयं भी आप 3000 करके क्यूएसए बन सकते हैं। उसी तरह हिसाब से दोस्तों क्यूएसडी का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, आपके नीचे अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपके नीचे आपका अपना पर्सनल पीवी 1000 तो होना ही चाहिए, पर्सनल ग्रुप पीवी आपका 3000 होना चाहिए, यानी स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। साथ में आपके नीचे 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट होने चाहिए और डीजीपीवी आपका 25000 होना चाहिए या डीजीपीवी आपका 50000 होना चाहिए बिना किसी क्वालिफाइड स्टार एजेंट के। उसके अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों, जो आपको मार्केटिंग प्लान के दौरान समझाऊंगा। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी मैथ के सवाल को हल कर रहे हैं तो उस सवाल को हल करने के लिए उसकी कोई ना कोई प्रमेय होती है, उसका कोई ना कोई सूत्र होता है। अगर आपको बिजनेस करना है और आपको बिजनेस के अंदर इनकम लेनी है तो आपको इन बातों को याद रखना पड़ेगा, ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से इसके अंदर मेरे पॉइंट्स जुड़ते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में अपने अपलाइन से डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ये क्या होता है, कैसे बनता है। और इसके लिए आप अपनी बोनस स्टेटमेंट का सहारा भी ले सकते हैं, आप अपनी बोनस स्टेटमेंट का सहारा भी ले सकते हैं दोस्तों। तो आप इस तरीके से, आप अगर आपको ये सब चीजें याद होंगी तो आपको इस बिजनेस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, जब आप मेंबर बनते हैं तो और आप 1000 पीवी करते हैं तो आपको 6% आपका बोनस आता है, 6%। ये मान लीजिए कि आपने 1000 पीवी किए, आपका पॉइंट हुआ 1100, तो 1100 का 6% कितना हुआ दोस्तों, 66 रुपए। तो 66 रुपए बोनस आया। लेकिन जब आप खरीद करते हैं, आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़ते हैं, खरीद करते हैं, तो आपका एक्यूमुलेटेड जो पॉइंट है वो जब 3000 होता है तो वही आपको 6% से आप 9% पे आते हैं, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अपना ग्रुप बोनस। यानी कि जब तक आप स्टार एजेंट नहीं बन जाते तब तक आपको ग्रुप बोनस 21% तक आएगा। यानी ग्रुप बोनस का मतलब क्या हुआ कि मैंने सिस्टम में 1000 पीवी किए, मेरे नीचे मेरे डाउन ने भी, मैं जो स्टार एजेंट नहीं है, उन्होंने अगर 1 पीवी भी किया, उन्होंने अगर 2 पीवी भी किया, अगर उन्होंने 100 पीवी भी किया, तो वो भी मेरे एक्यूमुलेटेड पीवी में जुड़ेगा। यानी कि मेरे साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका बेनिफिट भी आएगा, क्योंकि ये बिजनेस आपने शुरू किया है, इस बिजनेस के आप एंटरप्रेनर हैं, इस बिजनेस को बनाने वाले आप हैं, इस बिजनेस के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपका जो ग्रुप बनाया गया, आपकी जो मेहनत की गई, उसके साथ साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके बेनिफिट के साथ साथ ही आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट आपको मिलेगा 6% से 21% जब तक कि आप स्टार एजेंट नहीं बन जाते, आपको ये स्टार ग्रुप बोनस दोस्तों मिलेगा। जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं दोस्तों और आप 1000 पर्सनल पीवी और 3000 आपका पर्सनल ग्रुप पीवी होता है, तो दोस्तों आप 25% पे पहुंच जाते हैं। और आपके नीचे उसके बाद
जितने भी आपके जो मेंबर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपके अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट बनेंगे, उन सब से आपको 2-2% आएगा, और ये 2-2% तब तक आएगा जब तक कि आप स्टार डायमंड नहीं बन जाते दोस्तों। जब आप स्टार डायमंड बन जाएंगे तो आपको 37% इनका आता रहेगा, 37% आपका आपका बोनस, आपका 37% का आपका स्टेटस, आपका बोनस 37% के आधार पे मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जब आप इसे हम बोलते हैं स्टार, इसे हम बोलते हैं स्टार ग्रुप बोनस, यानी जितने स्टार एजेंट आपके नीचे बनेंगे उतने ही आपको हर स्टार एजेंट से 2-2% के साथ साथ आपका लेवल का स्टेटस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आप इसी बीच में स्टार एजेंट से स्टार रूबी 31% पे पहुंच जाएंगे जब, और स्टार रूबी के बाद स्टार डायमंड बनेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ काम करता है। जब आपके नीचे 3 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं तो आप स्टार रूबी बन जाते हैं, आपका टाइटल स्टार रूबी का हो जाता है और आप 31% पे पहुंच जाते हैं। और जब आपके नीचे 4 QSE होते हैं तो आप 33% पे, 5 होते हैं तो आप आ जाते हैं 35% पे, 6 होते हैं तो आप आ जाते हैं 37% पे, और आप बन जाते हैं स्टार डायमंड। और दोस्तों जब आप स्टार डायमंड बनते हैं यहीं से शुरुआत होती है आपके बिजनेस की, आपका इनकम का तीसरा क्राइटेरिया खुल जाता है। पहला कहने में मैंने क्या बताया, ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस में क्या हुआ आपका, आपको मिला 6-21%। फिर क्या हुआ स्टार ग्रुप बोनस, यानी आपको सीधा 37% तक आप बढ़े। अब आपका एक अलग से क्राइटेरिया शुरू हो जाता है, आपका एक अलग से इनकम शुरू हो जाता है दोस्तों। बहुत से लोगों को यहां तक पता ही नहीं होता है, वो एक ही लाइन में काम करते हुए चले जाते हैं और जंबो लग खड़ी हो जाती है, कहते मेरे कुछ लोग आते हैं बोलते हैं मेरे पास 1000 लोगों का नेटवर्क हो गया, मेरे पास इतना हो गया, लेकिन सर मेरे को इनकम नहीं आ रहा है, मेरे को इनकम क्यों बढ़े, कैसे बढ़ेगा, कैसे मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा जो मैं सोच के आया था। तो दोस्तों उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, आपको फैलाव करना है अपने बाजुओं का, आपको फैलाव करना है अपने हर अलग बाजू के अंदर अलग अलग लाइंस का, आपको फैलाव करना है नए नए आपके नीचे स्टार एजेंट बने, आपको फैलाव करना है आपके नए नीचे स्टार डायमंड बने। जब दोस्तों आप स्टार डायमंड बन जाते हैं और जब स्टार डायमंड बन जाते हैं और आपके नीचे कुछ नए स्टार डायमंड आते हैं, जब कुछ नए स्टार डायमंड आपके आते हैं तो आपको एक नई इनकम मिलती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको स्टार डायमंड क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको जरूरी है वो जानना, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये रिपोर्ट अपनी पीबी रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं। ई वर्ल्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, मैं ई वर्ल्ड के ऊपर भी बहुत जल्दी आपको पीबी रिपोर्ट कैसे देखते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग में आपको ऑनलाइन दूंगा। तो दोस्तों आपको 30% बोनस के लिए एंटाइटल जब स्टार डायमंड बन जाते हैं, 30% बोनस के लिए आप एंटाइटल होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, आपके नीचे मान लो 5 स्टार एजेंट है जिसमें से 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट है और आपका डीजीपीबी, आपका डीजीपीबी 20,000 है। ये दोस्तों डीजीपीबी आता कैसे है, हाँ करेक्ट, ये डीजीपीबी आपका आता है नॉन क्यूएसडी से, जो क्यूएसडी नहीं है उन स्टार डायमंड का आपका डीजीपीबी आपके में जुड़ता है, यानी 4 क्यूएसए हैं, 20,000 डीजीपीबी है तो आप 35% बोनस के लिए एंटाइटल होंगे। लेकिन यदि आपके नीचे 5 स्टार एजेंट हैं लेकिन उनमें से कोई भी स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं हुआ परंतु आपका डीजीपीबी 30,000 है तब भी आप 35% के लिए एंटाइटल हैं। और 37% इसका मतलब क्वालिफाइड स्टार डायमंड। क्वालिफाइड स्टार डायमंड के अंदर क्या होगा दोस्तों, आपके नीचे मिनिमम अलग अलग लाइन में 6 स्टार एजेंट होने चाहिए, पैरेलल लाइंस में 6 स्टार एजेंट होने चाहिए, उन 6 में से 4 स्टार एजेंट अगर क्वालिफाई करते हैं और आपका डायमंड ग्रुप पीबी 25,000 है तो आप 37% के लिए एंटाइटल हैं। और 30% लेवल पे जब आप क्रॉस करते हैं, 30% लेवल को टच करते हैं तो आपको दूसरी इनकम भी कंपनी से मिलनी शुरू होती है। ध्यान रहे दोस्तों जो स्टार डायमंड है अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो इनकम को वहां पे छोड़ दे रहे हैं, जो इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। यानी कि आपको अपने नीचे स्टार एजेंट्स को भी क्वालिफाई कराने के लिए प्रोत्साहित करना है और वो अपने नीचे भी इसी चीज को डुप्लीकेट करके बाकी लोगों को प्रोत्साहित करें। अब दोस्तों
यदि आपके पास 6 स्टार एजेंट हैं, आप डायमंड हैं, लेकिन उनमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन आपका डायमंड ग्रुप पीवी, आपका डीजीपीवी अगर 50,000 है, तब भी आप 37% के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब दोस्तों नीचे एक पॉइंट लिखी है कि एसएसडी एंड अबव की बोरोइंग 2 डायमंड लैक्स, यानी कि जब आप डायमंड बनते हैं और आपके नीचे 2 नए डायमंड अलग अलग लेग्स पे होते हैं, दोनों क्वालिफाई होते हैं, और यदि आपका कोई भी क्राइटेरिया डीजीपीबी के अंदर कुछ भी आपका कम हो जाता है, तो आपके 1 डायमंड लेग से उधार लिया जाता है वो पॉइंट, और उस डायमंड लेग का आपको बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली 37% पे क्वालिफाई करा देगा। दोस्तों ये है ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कितना बेहतरीन सिस्टम। अगर अगर कंपनी देखो कितनी ईमानदार है, कंपनी आपको डायमंड नहीं क्वालिफाई करने के बावजूद भी 37% पे आपको क्वालिफाई करा रही है ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू। इसके लिए किसी भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम अपने आप इसको लागू करता है, अपने आप उसे देखता है, इसका किसी के लिए कोई इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है दोस्तों। तो ये था आपका, मैंने बताया कि आपको डायमंड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, उसे क्या करना है। तो आपको समझ में आ गया डीजीपीबी, डीजीपीबी हाँ करेक्ट, डीजीपीबी आपका वो होता है जो आपके नॉन स्टार डायमंड ग्रुप से आता है, जो आपके नॉन स्टार डायमंड ग्रुप से आता है। तो इस चीज का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, और हर 25 तारीख से पहले हर महीने की आपको ये सब चीजें चेक कर लेनी है। कुछ लोग दोस्तों हजारों और कुछ कुछ लोगों का लाखों रुपए का नुकसान, लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो उनका कोई स्टार एजेंट या स्टार डायमंड अचानक से क्वालिफाई हो जाता है और उनका क्यूएसए, उनका डीजीपी भी कम हो जाता है उसके कारण, उनका डीजीपी भी कम हो जाता है उसके कारण का डायमंड क्वालिफिकेशन रह जाता है। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अपना पर्सनल पीबी अगर आप 3,000 करने में सक्षम है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेक श्योर रहें आपका 1,000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू अपना खुद का होना चाहिए और 2,000 पॉइंट आपके मेंबर्स के लिए, आपके डाउनलाइन से आपको आने चाहिए, नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से आपको आने चाहिए। तो इसके लिए केयरफुल रहना है, सावधानी सबसे बेहतरीन है कि आप 3,000 पर्सनल पीबी अगर आप करते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जब आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड हो जाते हैं तो दोस्तों यहां से आपकी एक बेहतरीन जर्नी, बेहतरीन इनकम की शुरुआत होती है, और उसे बोलते हैं हम लीडरशिप बोनस। और लीडरशिप बोनस के साथ साथ एक बोनस आपका और भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ना डेवलपमेंट बोनस के बारे में बताया था आपको मैंने, स्टार एजेंट के माध्यम से मिलता है आपको। अब वो डेवलपमेंट बोनस और लीडरशिप बोनस बहुत से लोग इसको भी नहीं जानते, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेवलपमेंट बोनस के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको लीडरशिप बोनस के बारे में बताऊंगा। ये डेवलपमेंट बोनस क्या होता है दोस्तों? डेवलपमेंट बोनस ये होता है जब आप काम करते करते आप स्टार एजेंट बन जाते हैं और स्टार एजेंट क्वालिफाई करने लगते हैं, और आपके नीचे जो मेंबर जुड़े हुए हैं, आपके अलग अलग लेग्स में जो मेंबर जुड़े हुए हैं, उन मेंबर्स में भी कुछ लोग काम करते करते स्टार एजेंट बन जाते हैं, क्वालिफाई स्टार एजेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको ग्रुप बोनस तो मिला, ग्रुप बोनस के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है डेवलपमेंट बोनस। उस क्वालिफाई स्टार एजेंट जो आपके नीचे क्वालिफाई स्टार एजेंट आपके नीचे जो क्वालिफाई होता है, आपके फर्स्ट लेवल से उसका जितना भी आपका पीजीएसवी हुआ होगा उसके बेस पे उसके टोटल पीजीएसवी का आपको 5% मिलेगा। अब ये फर्स्ट लेवल पे जो क्वालिफाई स्टार एजेंट बनते हैं, ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है? सेकेंड लेवल पे 4%, थर्ड लेवल पे 3%, चार लेवल पे 2%, पांचवें लेवल पे आपको 1%। ये लेवल होता क्या है दोस्तों? जनरेशन और लेवल, जैसे कि मैंने आपको बीओएम के समय बताया था, जनरेशन और लेवल में फर्क होता है दोस्तों। जनरेशन वो होता है जैसे कि मैं जुड़ा और मेरे नीचे मैंने किसी ए को जोड़ा, फिर उसके ए के नीचे बी के नीचे जनरेशन हो गया 1, 2, 3। अब लेवल क्या होता है? लेवल में मान लीजिए क्वालिफिकेशन समय पे मैं क्वालिफाई स्टार एजेंट बना, मेरा ए स्टार एजेंट है लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन बी स्टार एजेंट है और क्वालिफाई हो गया, तो बी मेरा फर्स्ट लेवल पे आ जाएगा। यानी कि क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अगर आपके नीचे 100 लोग
है, एक सौ एकवां स्टार एजेंट अगर क्वालिफाई होता है तो आपके फर्स्ट लेवल पे आएगा, उसके पीजीएसवी का आपको 5% मिलेगा। है ना मजेदार दोस्तों, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इस तरीके से काम करता है। छोटी सी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ दोस्तों, दूसरे स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको शेयर करता हूँ इसको, जो इसके अंदर आपका पीजीएसवी दिखाया गया है वो 100 और 100 के हिसाब से दिखाया है। 100 को हम 2000 मान के चलेंगे, राइट? जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप किस तरीके से काम करता है। देखिए डेवलपमेंट बोनस, ये पिंक अगर आप देख पा रहे हैं तो आप हैं, और ये 100 मतलब 1000 मान के चलिए, यानी जो भी यहाँ पे स्टिकर लिखी है उसके नीचे आगे एक जीरो लगा दीजिए, आप आगे जीरो लगा दीजिए, यानी कि आपने 1000 पीबी किए, आपने 1000 पीबी किए, आपके नीचे एक स्टार एजेंट है उसका 5000 पीबी, स्टार रूबी है मैं 500 लेके चल रहा हूँ, आप उसको 1000 मान के चलिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल है ये। अगर ये 1000 पीबी किए, इसने 5000 पीबी किए, ये भी एक रूबी है इसने 500 पीबी किए, 5000 पीबी किए, ऐसे टू ने भी 5000 किए, ये D1 मेंबर है, राइट? ये D1 मेंबर है, इसने भी 5000 पीबी किए या 500 पीबी में बल के चल रहा हूं, मान के चलिए आप 500 का मतलब 5000, 1000 का 100 का मतलब 1000, तो ये इसका टोटल हो गया 600 पीबी, यानी 6000 पीबी अगर इंडिया के टर्म्स में हम इसको ले तो, हमारे भारत के टर्म में से ले तो। ध्यान से जरा देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। अब ये देखिए, अब ये भी स्टार एजेंट है, 5000 इसका पीवी है, और ये मेंबर है इसका 500 पीवी है, तो ध्यान रखिए ये जो 500 है ये पीवी आपका, क्योंकि मेंबर है और स्टार एजेंट है, ये इसका ग्रुप पीवी कितना हो गया, 600, यानी 6000 ग्रुप पीवी हो गया, ये ज्वाइन होगा। जैसे आपको एग्जांपल के आप तौर पर समझाता हूं मैं, नीचे देखिए थोड़ा कैलकुलेशन को मैं नीचे करता हूं, स्क्रीन को ध्यान से समझिए। ये देखिए ये एसआर का 100 पीवी, उसके पर्सनल ग्रुप से यानी D1 से और SR का 100 था, ये 600 पीबी इसका जुड़ा। हम पीबीएसबी यहाँ पे एग्जांपल में मान के चल रहे हैं, बराबर है, मान के चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा होता है हमेशा इसी। तो आपका डेवलपमेंट बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, हमारा आपका डेवलपमेंट बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, आपका फर्स्ट लेवल क्या है यहाँ पे, आपके यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे कौन कौन लोग हैं, आपका फर्स्ट लेवल है SA1, ये SR, SA2, यानी 3 लोग हो गए। अब 3 लोगों का आपका पीवी कितना है, 500 500 500, कितना हो गया पर्सनल पीवी आपका, इनका कितना हो गया, या पर्सनल पीजी पीवी कितना हो गया, क्योंकि इनके नीचे ये स्टार एजेंट है, इसके नीचे कोई स्टार एजेंट नहीं है, इसके नीचे कोई स्टार एजेंट नहीं है, तो इनका पीवी पर्सनल, इनका पीजी पीवी भी हो गया। अब ये पीजी पीवी कितना हो गया, टोटल हो गया 1500। अब 1500 का क्या मिलेगा, 5%, 1500 का 5% प्लस। अब ये 1000 एसवी का इनको 4% मिला, ये 1000 एसवी कहां से आया दोस्तों, यहाँ पे एक स्टार एजेंट है, ये भी S3 स्टार एजेंट है, उसके नीचे एक मेंबर है 500 इसने अपना पीवी किया, 500 इसने किया, टोटल हो गया 1000, और ये लेवल हो गया 2। अब जब ये लेवल हो गया 2, लेवल 2 होने के कारण इसका टोटल जो पीजीएसवी हुआ 1000 का 4%, तो इसी हिसाब से आपको मिला टोटल अमाउंट 1500 का 5% 75, और आपका 1000 का 4% 40, यानी आपको टोटल अमाउंट मिला यहाँ पे 115, यानी कि अगर ये 1000, अगर 15000 है और 1000 है तो टोटल मिला आपको 1150। इस तरीके से दोस्तों आपका ये डेवलपमेंट बोनस बनता है, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो समझ में आया लेवल, जितने ज्यादा स्टार एजेंट होंगे आपके नीचे डेप्थ में, जितने ज्यादा लेवल में स्टार होंगे, लेवल ये नहीं कि खाली एक ही स्टार एजेंट है, सेकंड लेवल पे अगर 20 स्टार एजेंट हैं तो उन 20 से आपको 4% आएगा, फर्स्ट लेवल पे आपके 40 स्टार एजेंट हैं उन 40 लोगों से आपको 5% आएगा, यानी क्वालिफाइड हो रहे हैं जो, चौथे लेवल पे अगर 200 हैं तो 200 से आपको उनका पर्सनल पीजीएसवी का आपको 2% आएगा, यानी कि जितना बड़ा ग्रुप, जितने ज्यादा स्टार एजेंट, जितना ज्यादा आपका गहराई और चौड़ाई में आपका बिजनेस होगा, जितने ज्यादा आपके स्टार एजेंट होंगे, जितने ज्यादा आपके स्टार एजेंट क्वालिफाई होंगे, आपका बोनस उसी हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये है हिडन इनकम। कुछ लोग खाली स्टार एजेंट बन गए, सर हमारा हो गया अब हम करोड़पति बन जाएंगे, नहीं दोस्तों, आप स्टार एजेंट बन गए,
आपको ये डुप्लीकेट कराना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपके टाउन टीम में, आपके टाउन में क्वालिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ने चाहिए। वो जब बढ़ेंगे तभी तो दोस्तों आप बढ़ेंगे, तभी तो आपकी गारंटी है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आपके रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। ये बोनस स्टेटमेंट है, आपको जरा अगर ध्यान से देखना चाहें कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लेवल है फर्स्ट, ये लेवल पे एक लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल में पीजीएसवी आपका 3405 है, फर्स्ट लेवल का पीजीएसवी 3405 है, इससे इसको डेवलपमेंट बोनस 170 रुपए 25 पैसे मिला, यानी 3405 का अगर आप 5% करेंगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप डेवलपमेंट बोनस लिखा आता है, ग्रुप बोनस लिखा हुआ आता है, आप चेक कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों एक आपको इसके अंदर बेहतरीन बोनस की शुरुआत भी मिलती है, अगर कोई स्टार डायमंड आपके नीचे क्वालिफाई अगर नहीं हो पाता है, लेकिन वो स्टार एजेंट के रूप में क्वालिफाई होता है, वो 37% पे अगर है और आप क्वालिफाई होते हो, तो आपके और उसके बीच का एक डिफरेंशियल बोनस आता है। लेट्स सपोज देखिए, ये यहाँ पे ये मेंबर एक स्टार रूबी क्वालिफाई हुआ यहाँ पे, लेकिन स्टार रूबी इसका 29% पे है, और यहाँ पे देखिए, और ये जो मेन मेंबर है वो 37% पे है, तो 37 और 29 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ दोस्तों, 8%। 8% के हिसाब से यहाँ पे उसको ग्रुप बोनस मिला 1476 रुपए, यानी स्टार एजेंट वाला, राइट, स्टार एजेंट 2-2% वाला यहाँ पे 1476 मिला। इसे हम डिफरेंशियल बोनस भी बोलते हैं, राइट, इसे हम डिफरेंशियल बोनस भी बोलते हैं। तो यानी कि आपको हर तरीके से इनकम आपको पास ऑन होती है, कहीं पे भी कंपनी वहां पे आपको रोकती नहीं है, मार्केटिंग प्लान इतना बेहतरीन है, ऑटोमेटिकली आपको अमीर बनाने में लगा हुआ है, बस दोस्तों समझने की जरूरत है, इसे करने की जरूरत है। दोस्तों जब हम स्टार एजेंट स्टार डायमंड बन जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अलग अलग लाइफ में स्टार डायमंड बनते हैं, हमारा स्टेटस बढ़ता जाता है, और ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि हम क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाते। जब हम क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तो दोस्तों क्या कहने, यानी आपका हर डायमंड का ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ेगा आपके नीचे, जितना ज्यादा उसका इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम भी उसी के हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बनेगा, और यहीं पे आपको फ्रीडम मिलेगी, यहीं पे आपको रेजिडुअल इनकम मिलेगी दोस्तों। यानी आपके नीचे का डायमंड जितना समृद्ध होगा, जितना उसका ग्रुप अच्छा होगा, जितना उसका बिजनेस अच्छा होगा, जितने उसके नीचे लोग ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई कर रहे होंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे आपकी इनकम बेहतरीन तरीके से मिलेगी, आपकी इनकम की वो गारंटी होगी। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जितने आपके नीचे लोग तरक्की करेंगे, जितने आपके नीचे लोगों की इनकम बढ़ेगी, आपका इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यानी कि नीचे वाले लोगों को आपने पैम्पर करना है, आपने उन्हें सही मार्ग दिखाना है, उनको प्रेरित कर काम वो आगे नीचे दूसरे लोगों के साथ करेंगे, और ये काम आपको करते रहना है क्राउन एम्बेसडर बनने तक, और क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद तो आपकी जिम्मेदारी और बेहतरीन हो जाती है, आपकी इनकम और ज्यादा बेहतरीन होगी। अगर आप सभी के आपके डायमंड, आपके नीचे के डायमंड जितनी ज्यादा तरक्की करेंगे, जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डीएक्सएल बिजनेस के अंदर जब हम ज्वाइन करते हैं, जब मेंबर बनते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहला इनकम जो हमें मिलना शुरू होता है वो होता है हमारा रिटेल प्रॉफिट का इनकम। दोस्तों हम राशन की दुकान पे सामान लेने जाते हैं, परचून की दुकान पे सामान लेने जाते हैं, आप सबको जैसे पता है कि हमको एमआरपी पे सामान मिल जाता है, कभी हमें डिस्काउंट नहीं मिलता, 15-25% तो आप भूल ही जाइए कभी मिलता होगा, वो तो मिलता ही नहीं है। अगर कभी 1-2 रुपया छोड़ दिया, अगर 2 रुपये भी अगर दुकान पे गया और आप पर बात करी, भैया 2 रुपये कम है, दुकानदार पता क्या बोलेगा, चलो छोड़ कोई बात नहीं, बहुत प्रॉफिट कमाया, 2 रुपये छोड़ देता हूँ, पता क्या बोलेगा, याद रखना अगली बार दे देना, यानी वो छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो बिना कहे डिस्ट्रीब्यूटर बनते के साथ ही आपका इनकम शुरू हो जाता है, आपको रिटेल प्रॉफिट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, जिस रेट पे आप खरीदते हैं, डीपी प्राइस होता है, एमआरपी डीपी से 15-25% का हर प्रोडक्ट में वेरी करता है, आपको मिलता है 15-25% का आपको बीच में रिटेल प्रॉफिट मिलता है। और कुछ लोग दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं, और कुछ बाद में इस प्रोडक्ट के जब फायदों को लोगों को बताते हैं, लोग उनसे इस प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं तो वो एमआरपी भी बेचते हैं। दोस्तों कभी डीपी पे मत बेचना, अपना 15-25% अपने साथ सिक्योर करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट केवल डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही बेचा जा सकता है, किसी दुकान पे उपलब्ध नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसको बेचिए। उसके बाद दोस्तों जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको ग्रुप बोनस मिलता है। ये ग्रुप बोनस कब मिलता है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, जब आपका पर्सनल पीवी यानी कि आपका 1000 पीवी पॉइंट हो जाते हैं,
प्रोडक्ट की परचेस के तब आपको 6% से 21% तक का मिलता है, और आपके नीचे भी जब लोग इसी तरीके से करना शुरू करते हैं तो उनको भी इसी तरीके से बेनिफिट मिलना शुरू होता है दोस्तों। और आपका जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा, आपके नीचे जो लोग खरीद करेंगे उनका भी आपको बीच में से जो उनसे फायदा आपको मिलेगा। अब ये फायदा कैसे मिलेगा दोस्तों, एक स्लाइड के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों से, क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन है, थोड़ा सा इसके अंदर गणित भी है, लेकिन ये गणित मैं इतनी छोटी आपको देता हूँ, इस सेशन के खत्म होने के बाद आपको ये गणित याद रहेगा और ये आपके बैंक अकाउंट को बढ़ाने आपकी मदद करेगा दोस्तों। ये बैंक गणित आपका इतना बेहतरीन रहेगा। देखिए दोस्तों ये कैसे काम करता है, ये आप जब आप मेंबर बनते हैं और अपने नीचे आपके साथ में कुछ और लोग भी सामान आपसे खरीदते हैं या आपके साथ जुड़ते हैं, वो सामान खरीदते हैं, जैसे कि आपने खाली 100 पीबी का सामान लिया, 100 को 1000 मान के चलिए, ठीक है, इस चीज को मान के चलेंगे हम, 1000 पीबी का आपने सामान लिया, आपके नीचे ए है, आपके नीचे बी जुड़ा है, आपके नीचे सी जुड़ा है, उसने 5000 पीबी का सामान लिया, 5000 पीबी का सामान लिया, तो दोस्तों अब कैसे आपको इनकम मिलेगा, आपको तो आपके 100 पीबी का मिलेगा, 1000 पीबी का, 1000 पीबी आपका हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, 1000 ये हुआ, 5000 ये, 5000 ये, 5000 ये, टोटल कितना हुआ 15 और 16000, यानी जब आप 16000 पे हैं तो आप 12% के लेवल पे पहुंच गए। मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर स्लाइड को आप समझ सकते हैं कैसे या 12% पे आप यहां पे आप पहुंचे। तो मैं दोस्तों दिखाता हूं आपको एक स्लाइड जो मैंने बताया था आपको एक्युमुलेशन के लिए, थोड़ा सा मैं दोस्तों पीछे जाता हूं, थोड़ा सा स्लाइड के मैं पीछे जाता हूं एक्युमुलेशन के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो बिजनेस कैसे करेंगे। जब आप मेंबर बनते हैं तो आप 1000 पॉइंट करने के साथ आपको 6% होता है, लेकिन जब आपका 10000 पॉइंट होता है तो 12% पे होते हैं, 20000 होता है पॉइंट आपका 15% होते हैं। तो दोस्तों इस स्क्रीन पे दोबारा लौटता हूं, 10000 पे ध्यान रखिए, 10000 पॉइंट होने पे आपको 12% मिलता है, राइट, आपको अपने ग्रुप का 12% मिलता है। और इसी चीज को मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कैलकुलेशन, यहां पे देखिए आपने भी किया और आपके नीचे 5000 इसने किया, 5000 बी ने किया, 5000 सी ने किया, टोटल कितना हो गया 16000, यानी 10000 की रेंज क्रॉस कर गए, आप 12% पे आ गए, तो आपको 16000 एसबी आपका हुआ, यानी पर्सनल ग्रुप एसबी 16000 का 12% मिला आपको। और साथ साथ इन्होंने भी 5000 पीबी किया, इस बी ने 5000 पीबी किया, सी ने 5000 पीबी किया, तो ये 5000 पीबी करने पे हमारा परसेंटेज, इनका परसेंटेज क्या हुआ, पहला 1000 पे 6 और 3000 पे 9 और 10 पे 12, यानी कि आप 3000 से ऊपर आ गए, यानी 5000 वाले आ गए, तो इनका परसेंटेज कितना हुआ 9%, बी का भी 9%, सी का भी 9%, तो क्या हुआ, बी को 9% मिला, ए को 9% मिला, बी को 9% मिला और सी को भी 9% मिला, तो इनका 9% इनको देने के बाद, इनका 9% जो इनको मिला उसको माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 570 रुपए, यानी एक्चुअल में आपका 10000 पीवी 1000 पीवी आपको आपको मिल रहा था यहाँ पे, मात्र आपको मिल रहा था 120 रुपए, लेकिन दोस्तों आपको आपके नीचे लोगों के जुड़ने के साथ, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके मेंबर्स के पीवी के होने के कारण आपको एडिशनल पीवी मिला, यानी जो आपको मिलना था, आपको मिलना था मात्र 120 रुपए, आपको 570 रुपए मिले। जो आपको फायदा मिला, आपको फायदा मिला, आप 570 रुपए हो गए, 120 का आपको सीधा मिला 570 रुपए। दोस्तों ये इस बिजनेस की ब्यूटी है दोस्तों, बोनस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं दोस्तों आपके अगले बोनस पे, यानी कि जब आप डायमंड बनते हैं और आपके नीचे जैसे जैसे नए नए डायमंड आते हैं अलग अलग लाइंस में, तो आपको दोस्तों अलग से परसेंट का बोनस मिला है, बोनस एंटाइटल हो जाते हैं 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग पे, यानी डायमंड बनने के बाद, डायमंड बनने के बाद नए डायमंड आपके नीचे आते हैं और डायमंड बनते हैं, साथ साथ दोस्तों
सेमिनार के लिए इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव में कंपनी आपको मुफ्त में देश विदेश घूमने की यात्रा देती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घूमने को मिलता है दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, खाली आपको अपना बैग लेके एयरपोर्ट में पहुंच जाना है, आपका बैग लेके आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है, और उसके बाद जब एक बार आप वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद सारा खर्चा आपका कंपनी उठाएगी, सारा आने जाने का खर्चा आपका कंपनी उठाती है, खाली आपको घर से एयरपोर्ट तक पहुंचना है, आपको अपने घर से आपके पर्टिकुलर स्टेशन तक पहुंचना है, उसके बाद का सारा खर्चा आपका कंपनी उठाती है, यानी कि आपका आने जाने का टिकट, रहने खाने पीने का सब कुछ कंपनी वहां पे आपको उठाती है। आपको क्या पहुंचना होता है, कंपनी के चुने हुए स्थान पे आपको पहुंचना होता है, उस स्थान के बाद सारी जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आप जब जैसे जैसे काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, आप रूबी बनते हैं, और आपके नीचे एक्यूमुलेटेड पीवी के बारे में मैंने आपको बताया, जब आपके नीचे 3 स्टार एजेंट आपका एक्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी 60,000 हो जाता है, और आपके नीचे 3 स्टार एजेंट जो है अलग अलग लाइन में, आपकी फर्स्ट जनरेशन दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन में लेवल नहीं, फर्स्ट जनरेशन में 3 स्टार एजेंट की जब 60,000 एक्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी आते हैं, तो आपको 12,500 रुपए का हैंडफोन कैश इंसेंटिव मिलता है वन टाइम। और आपके नीचे जब 5 आपके डायरेक्ट लाइन में आपके फर्स्ट जनरेशन में 5 स्टार एजेंट को यानी 5 स्टार रूबी को आपके 12,500-12,500 मिलता है, तो कंपनी आपको ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव देती है, 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और कंपनी नहीं पूछती कि इसको कहाँ खर्च करना है, आप जहां मर्जी खर्च करिए, जिस मर्जी काम के लिए खर्च करिए, घूमने के लिए खर्च करिए, गहने बनाने के लिए खर्च करिए, मकान की मरम्मत के लिए खर्च करिए, गाड़ी के खरीदने के लिए खर्च करिए, या अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए खर्च कीजिए, किसी के इलाज के लिए खर्च करिए, वो पैसा आपका है, ये कंपनी आपको देती है। यानी कि क्या हुआ, आपके नीचे लोगों को मोबाइल मिला, आपको 1,00,000 भी मिले, तो दोस्तों यही डुप्लीकेट आपको कराना है। ये सब चीजें आप जब काम करते हो तो मिलती रहती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये हमें कैसे मिलेगा, हमारे एक्यूमुलेटेड आपका पॉइंट वैल्यू से आपको मिलेगा, राइट, तो ओवरसीज इंसेंटिव। सो तो दोस्तों इस तरीके से ये आपकी 9 प्रकार की इनकम है, और उसके साथ साथ जब आपके नीचे डायमंड जुड़ते हैं, आप डायमंड बन गए, जब आपके नीचे पहला डायमंड जुड़ता है क्वालिफाई होता है, तो दोस्तों उसके DGSV से आपको 5% लीडरशिप बोनस आता है, उसके DGSV से 5% लीडरशिप बोनस आता है। और आपके नीचे जैसे ही दूसरा डायमंड आपकी दूसरी लाइन में बनता है, तो दोस्तों अब देखो यहीं पे थोड़ा सा इनकम बढ़ना शुरू होता है, यहीं पे थोड़ा आपको समझना है, यहीं पे आपको ज्ञान लगाना है, यहीं पे आपको ध्यान लगाना है, यानी कि फिर क्या होगा, आपको आपके जो फर्स्ट लेवल में जो क्वालिफाई स्टार डायमंड होंगे, ध्यान रखिए दोस्तों क्वालिफाई स्टार डायमंड और उनका DGSV जितने दो होंगे, तो दोनों से 5-5% आपको इनकम आएगा DGSV से। और सेकेंड लेवल यानी उस लाइन में उस डायमंड के नीचे कोई और भी डायमंड है, तो उसके DGSV का भी आपको 3% आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 20 डायमंड हुए नीचे, तो 20 के 20 से आपको 5-5% आएगा फर्स्ट लेवल पे, और जैसे जैसे आपके डायमंड बढ़ेंगे, तीसरा डायमंड हुआ तीसरी लाइन में और उसके नीचे आपका कोई और डायमंड हुआ, तो आपको सेकंड लेवल के जितने भी डायमंड होंगे सबसे आपको 4.8% भी आएगा, 5% तो आ ही रहा है दोस्तों, साथ साथ 4.8% भी आएगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपका डायमंड बढ़ता है, तो आपका DGSV 50,000 होना चाहिए, आपका DGSV 3 होते हैं तो 75,000 होना चाहिए, राइट। कुछ यहाँ पे दोस्तों बारोइंग भी होती है, लेकिन अगर जब आप SSD बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों बारोइंग को अवॉइड करें, कोशिश करें आपका DGSV यहाँ पे आपका 50,000 होना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, तब आपको उस पूरे एंटायर लाइन का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उस एंटायर लाइन का बेनिफिट आप मिस कर दोगे। और दोस्तों जब आपके नीचे चौथा डायमंड बनता है, तो आप क्या बन जाते हैं, करेक्ट, आप हो जाते हैं क्या, डबल डायमंड, और साथ साथ आपका फर्स्ट लेवल के अंदर मिलता है 5%, सेकेंड लेवल पे आपको वही परसेंटेज आपका बढ़ जाता है 5.8। लेकिन दोस्तों इसको लेने के लिए आपका DGSV कितना होना चाहिए, 1,00,000, DGSV आपका 1,00,000 होगा, तब आपको ये 5.8% वाला बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, 5.8% वाला, वरना क्या होगा, जिस हिसाब से DGPV होगा
उसी हिसाब से आपको उस लेख का हिसाब किताब मिलेगा, बाकी आप लूज कर देंगे दोस्तों, खाली 5% ही पाइपलाइन से। और दोस्तों जब आप डायमंड बन जाते हैं और आप 5-4 डायमंड आपकी लाइन में आ जाते तो का थोड़ा सा बिजनेस और इंप्रूव होना चाहिए, आपका डीजीएसबी 1,00,000 मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन आपका सेकंड लेवल से इनकम 7.1% आना शुरू हो जाता है, फर्स्ट लेवल से आपका स्टैग्नेंट रहेगा, स्प्लिट रहेगा 5%। अब ये बिजनेस जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जब तक क्राउन इन्वेस्टर नहीं बन जाते, तब आपको क्राउन इन्वेस्टर बनने के बाद आपको 20वें डायमंड से आपको सेकंड लेवल से 10% आना शुरू होगा, और 10% जब आएगा, यानी ये 10% सबसे आएगा फिर, अगर आपके नीचे 20 डायमंड है और ये 20 डायमंड है तो यानी आप इसके लिए एंटाइटल हो गए, अगर आपने 1,00,000 आपका डीजीएसबी है, समझ गए दोस्तों। अगर आपका स्टेटस क्राउन इन्वेस्टर हो गया और आपके नीचे 20 डायमंड है तो आप डीजीएसबी के लिए आपको 1,00,000 किया और आपका सेकंड लेवल से 10% आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। 3% से शुरुआत करी थी हमने, जीरो से शुरू करी थी हमने, ESD से शुरू की थी, लेकिन SSD से 3% से शुरू करी और 10% पे बढ़ गया, 5% सबका बिल्कुल नॉर्मल। तो दोस्तों ये लीडरशिप बोनस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है, यही थोड़ी सी समझने की जरूरत है, राइट। अब देखिए ये सामने आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे बताएंगे इसका लेवल क्या है, इसका स्टेटस क्या है लीडरशिप बोनस में, ये डायमंड दिख रहा है, इसका स्टेटस क्या है लीडरशिप बोनस में? करेक्ट, इसके नीचे कितने डायमंड है? 5। ये एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है, 5 है, तो पहले लेवल में 5 डायमंड है तो 5% उनके डीजीएसबी का इसको आएगा दोस्तों, 5% इसके डीजीएसबी का इसको आएगा दोस्तों। और उसके नीचे देखिए, उस डायमंड के नीचे पहले लाइन में जो उसके है वो है क्या? ESD। पहले लाइन में क्या है वो? ESD। अब देखिए दोस्तों, अगर ये EDD है, अगर ये EDD है तो इसको कितना बोनस आना चाहिए सेकंड लेवल से? जरा देखते हैं दोस्तों, आपको दिखाता हूं मैं, हम शीट पे जाते हैं दोबारा लीडरशिप बोनस की, दोस्तों लीडरशिप बोनस की हम शीट पे दोबारा जाते हैं और देखते हैं कितना था उसका बोनस, राइट। तो ये रहा आपका सनस्क्रीन, देखिए EDD को कितना मिलेगा सेकंड लेवल से? 6.5%। और यहाँ पे दोबारा शीट पे हम आते हैं, EDD को सेकंड लेवल से कितने मिलेगा? 6.5%। यानी ये ESD है और ESD उसके नीचे दूसरे सेकंड लेवल पे एक डायमंड है, उससे 6.5% उसका DGSV का, लेकिन उसके नीचे वाला फर्स्ट लेवल के नीचे वाला भी ESD है, उसके नीचे वाला भी थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल हुआ ना, लेकिन ये भी ESD है, तो दोस्तों ये सेकंड लेवल में ही काउंट होगा, इसके DGSV से भी 6.5% ऊपर वाले को मिलेगा। यानी कि जब तक कि इस ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले ईडीडी के नीचे किसी भी लाइन में उसका एजुकेशन के बराबर, उसकी क्वालिफिकेशन के बराबर दूसरा नहीं आ जाता, तब तक उसका वो सेकंड लेवल का बोनस कैलकुलेट होगा, लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होगा दोस्तों। ये ब्यूटी है, बेहतरीन ब्यूटी है, अगर आप क्राउन इन्वेस्टर हुए और आपकी उस लाइन में जब तक क्राउन इन्वेस्टर नहीं आता, ओ माय गॉड कितना फायदा होगा, सब डायमंड से आपको DGSV से लीडरशिप बोनस आएगा। अब देखिए, देखो दूसरा, ये जो दूसरा है ये खाली डायमंड है, इसके तीसरे में आते हैं दोस्तों, तीसरे का स्ट्रक्चर थोड़ा मजेदार है। तीसरे में जो ये व्यक्ति है ये क्या है? ESD है, तो इसके सेकंड लेवल से भी 6.5% मिला। थर्ड लेवल में क्या हुआ? ये क्या है? SSD है, SSD होने के बाद भी, लेकिन ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला EDD है, तो इन दोनों SSD के दोनों डायमंडों से भी, DGSV से भी, दोनों डायमंड के DGSV से भी 6.5% मिलेगा इस लाइन में, इस ग्रुप के अंदर। अब इसके अंदर नीचे आते हैं दोस्तों, इस डायमंड के नीचे एक डायमंड है, ये क्या है? EDD है। अब EDD है, यहां तक तो सेकंड लेवल काउंट हो रहा है, लेकिन यहां पे दोस्तों ये EDD होने के बाद इसका लेवल चेंज हो जाएगा, इसका लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कितना मिल रहा है इसे? यहां पे मिल रहा है 6.5%, लेकिन यहां पे इसके DGSV से, इसके DGSV से इसको मिलेगा 3.5%, और उसके नीचे जो 5 डायमंड है उनके DGSV से भी इसको मिलेगा 3.5%। तो दोस्तों ये 3% गया कहां? और उसके नीचे देखिए, यहाँ पे कट ऑफ लग गया, क्योंकि 3% है, अब 6.5% नहीं मिल सकता, क्योंकि 6.5% अब यहां से सेकंड लेवल में इस वाले को पास ऑन होगा, तो ऊपर वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कट ऑफ लग गया, तो उसका सेकंड लेवल यहाँ पे खत्म हो गया आके। तो सेकंड लेवल का मतलब है, जब तक कि ऊपर वाले लेवल से लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक उसको सेकंड लेवल का बेनिफिट मिलता रहेगा, चाहे अनगिनत डायमंड क्यों ना हो।
अब देखिए ये यहाँ पे इसका, अब इसका ये सेकंड लेवल आया गया, यानी 6.5% के लिए एंटाइटल यहाँ पे, बाकी परसेंटेज के लिए एंटाइटल यहाँ पे ये हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए ये क्या है, SSD, और SSD को कितना मिलता है दोस्तों,
कैलकुलेट होता है। हाँ कुछ लोगों को साउंड नहीं आया, कुछ लोगों को साउंड नहीं आया, मेरे पास आगे आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। दोस्तों ये लीडरशिप बोनस किस तरीके से होता है, आप जरा इसको दोबारा से देखिए, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप ध्यान से समझिए। दोस्तों मैंने कहा कि आप एक जीरो बढ़ा के चलिए, आपका DGSB 1 लाख है, आपका DGSB 1 लाख है और आपके फर्स्ट लेवल में A1 A2 A3 हैं और यहाँ पे DGSB 1 लाख है और ये जो यू है ये कौन हुआ, ये हुआ ESSD। ESSD में सेकंड लेवल से हमें 4.8% आना है और फर्स्ट लेवल से हमें आना है कितना कितना आना है 5%, करेक्ट। तो A1 A2 A3 से आपका 1,10,000 आपका SB बना, तो उससे आपको आया 5,500, यानी एक जीरो बढ़ा के चलेंगे 5,500 रुपये आपको फर्स्ट लेवल से मिला। अब देखते हैं सेकंड लेवल में कौन है, इसके A1 के नीचे B1 है और B1 का स्टेटस क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना, ESSD। लेकिन दोस्तों ये B1 के नीचे कोई लेवल में नहीं है, ना C1 के नीचे कोई है, ना C2 के नीचे कोई है, ना C3 के नीचे कोई है, बिल्कुल। तो इसका जो आपका DGSB है आपको मिलेगा 4.8%, B1 C1 C2 और C3 का जब टोटल करेंगे, साथ साथ B2 आपका सेकंड लेवल में और C4 भी आपका सेकंड लेवल में काउंट होगा 4.8% के लिए, और साथ साथ आपका काउंट होगा आपका B3 और B4 भी आपका सेकंड लेवल में काउंट होगा। इन सब का टोटल हो गया आपका 4,30,000, आपको 4.8% मिला आपको 20,640 रुपए, यानी 20,640 रुपए सेकेंड लेवल से। लेकिन दोस्तों C5 और C6 से नहीं मिला आपको 4.8%, वो क्यों, C5 C6 से आपको मिला 1.8%, ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, 1.8% आपको C5 और C6 से क्यों मिला, आपका बाकी 3% कहाँ गया, आपको तो 4.8 मिलना था। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, A3 यहाँ पे बन गया है आपका ESD, जब ESD बनता है कोई तो उसको सेकंड लेवल से 3% मिलता है, तो यानी C5 से 3% A3 को मिला, C6 से 3% A3 को मिला और A4 जो U को मिलना था 4.8 वो 3% कटने के बाद मिला 1.8% किससे, C5 और C6 से, जो कि हुआ 1,800 रुपए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका लीडरशिप बोनस क्रिएट होता है, यानी एक डायमंड के नीचे कई डायमंड, जब तक क्वालिफिकेशन कट ऑफ नहीं लगता, अगर इसके नीचे एक भी व्यक्ति आ जाता यहाँ से तो यहाँ से वही कंडीशन लागू हो जाती जो कंडीशन यहाँ पे आपकी 3% कटी। तो दोस्तों जब तक लेवल, जब तक आपके उस लाइन में नीचे नहीं बराबर नहीं आता तब तक आपको लीडरशिप बोनस आता रहेगा और आपका इनकम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ दोस्तों बढ़ती रहेगी, यही है लीडरशिप बोनस। और ये एग्जांपल दोस्तों आपको dxntoyou.com पे मार्केटिंग प्लान के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी बोनस स्टेटमेंट के द्वारा। अब दोस्तों आपको मिलता है TSI इंसेंटिव, यानी TSI कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे किस तरीके से पॉइंट वैल्यू आपका जुड़ता है, यानी TSI पॉइंट के लिए आपके पर PGPV, यानी अगर आपका स्टार स्टार से है अगर उस साल का TSI तो आपको PGSB आपका काउंट होगा, और अगर आपका दोनों है स्टार डायमंड से तो DGSB से आपका होगा कैलकुलेशन, अगर आपका दोनों है तो 1% 1% दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो PGSB में आपका जितना भी आपका PGSB में बना होगा स्टार एजेंट के बेसिस पे आपका 100% आपका TSI पॉइंट जुड़ेगा, और विच इज डिवाइडेड बाय द करेंसी, अगर करेंसी उसमें मलेशिया की मान लो, मान के चलते हैं 18 रुपए चल रही है या 18 रुपए 35 पैसे या 19 रुपए चल रही है, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका TSI पॉइंट आएगा। फर्स्ट लेवल में आपका जितने भी डायमंड होंगे, जितने भी स्टार एजेंट होंगे PGSB अगर हुआ, अगर डीजी डायमंड विद DGSB हुआ, उसका आपको 50% डिवाइडेड बाय द मलेशियन करेंसी रेट। फोर्थ सेकेंड लेवल थर्ड लेवल फोर्थ लेवल पे इसी तरीके से दोस्तों आपका TSI पॉइंट कैलकुलेट होता है और आसानी से आप इसको देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल, और फर्स्ट लेवल में कई लोग हो सकते हैं, फर्स्ट लेवल में जितने लोग होंगे सबका टोटल होगा, सबका परसेंटेज उसके अंदर आएगा, सेकेंड लेवल में जितने लोग होंगे उस लेवल के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। आप बोनस स्टेटमेंट में इसको बहुत ही आसानी से, बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। साथ साथ आपको जब स्टार डायमंड आप बन जाते हैं आपको इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है दोस्तों, इसके अंदर भी आपका DGSB का अहम रोल होता है, यानी जितना अच्छा ज्यादा DGSB आपका होगा, जितने आपके डायमंड नीचे लेवल में DGSB जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, यानी IPS पॉइंट जितना भी आपका जुड़ेगा, जितना भी DGSB का पॉइंट है वो जुड़ेगा, और कंपनी का जितना SV होगा सेल्स वैल्यू उसके साथ में उससे डिवाइड होने के बाद में टोटल IPS पॉइंट आपको फंड से मल्टीप्लाई होके 2% जो भी फंड होगा वो सारे स्टार डायमंड में आपके बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है,
लेकिन अगर आप डायमंड स्टेटमेंट देखेंगे और आप मार्केटिंग प्लान का जब आप उसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसको dxmtv.com पे जाके रेफरेंस ले सकते हैं। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसके सारी कैलकुलेशन समझाई गई है, आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होता है। दोस्तों ये चीजें फील्ड में पूछी जाती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे नेटवर्कर के सवाल को सुनने के बाद गायब हो जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कैसे है, जो कि कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ऑलरेडी ये दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड में आपको माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से आपका ये कैलकुलेट होता है। इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस भी करनी है आपको। प्रैक्टिस अगर करके नहीं जाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चंस के जवाब आप नहीं दे पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस आप लूज करेंगे, और कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको दबाने में कामयाब हो जाएगा, आपके ऊपर आप उपहास का पात्र बन जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से दोस्तों एग्जाम्पल दिए गए हैं, टेबल सेमिनार इंसेंटिव किस तरीके से कैलकुलेट होता है, बकायदा एग्जाम्पल के तहत आपको यहाँ पे समझाया गया है, पूरी कैलकुलेशन के तहत आपको समझाया गया है, इसको आसानी से समझ सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको फिर शुरुआत होती है आपके एक और होती है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग भी दोस्तों इसी तरीके से 2% का आपका कैलकुलेशन होता है आपके बिजनेस के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। और उसके साथ साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग प्लान कोई कहानी नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, कैसे हमारे को पैसा आना है और कौन से ग्रुप से कितना पैसा आ रहा है। आप अपने डायमंड्स को पकड़ लीजिए, उस डायमंड्स को पकड़ के अपनी बोनस स्टेटमेंट सामने रखिए, उसको कैलकुलेट करिए किस डायमंड से मुझे महीने की कितनी इनकम आ रही है, उस डायमंड के ग्रुप को स्ट्रक्चर को नीचे देखिए, अगर उसके नीचे और स्टार एजेंट और डायमंड क्वालिफाई होंगे तो मेरी इनकम उसकी इनकम के हिसाब से बढ़ेगी और मेरी इनकम के हिसाब से बढ़ेगी। ये जब आप बात करेंगे एक एक डायमंड के साथ, अपना समय लगाएंगे, उसको आप प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे दोस्तों, तो आपका डायमंड भी खुश हुआ, मेरे अपलाइन मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी इनकम के बारे में सोच रहे हैं, और दोस्तों जब वो अपनी इनकम को बढ़ाएगा तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी, और इसी हिसाब से वो नीचे अपने स्टार एजेंट से बात करेगा, आप भी अपने स्टार एजेंट से जब बात करेंगे तो आपके स्टार एजेंट की जब इनकम बढ़ेगी तो आपके अलग अलग आपका डेवलपमेंट बोनस ग्रुप बोनस आपका बढ़ेगा, और साथ साथ डायमंड का इनकम बढ़ेगा तो आपका लीडरशिप बोनस बढ़ेगा। दोस्तों ये विन विन सिचुएशन है, ये जो मार्केटिंग प्लान है इसके अंदर सबका साथ और सबका फायदा है इसके अंदर, और इसके अंदर फायदा दिखाने के लिए वो नजरिए से आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको लोगों से उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा रफीक सर की तरफ से, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भी समय मिले वो मार्केटिंग प्लान को अपने शब्दों में बताने का प्रयास करें। और दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे दोबारा हम अगली मीटिंग के अंदर, जो लिंक आपको बहुत जल्दी आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, थैंक यू वेरी मच, गो क्राउन, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट।